I got the information that Yasir Malik, along with his colleagues, is having a meeting. Yasir Malik came out. कि इनके ऊपर सख्ती ना करो. आई एम बी यशवंत मलिक बहुत डरा हुआ था. वो कहता था मेरा को ब्लड प्रेशर है, मैं मर जाऊंगा यहीं. पानी मांग रहा था, पानी पिलाओ मेरे को. ना हम जे एंड के को आजाद कराना चाहते थे और इनको वो तभी हो सकता था अगर सारे कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल जाए. नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत. मैं हूं आपके साथ नैना यादव. कश्मीर फाइल्स को लेकर देश में एक बहस छिड़ी हुई है, लेकिन आज हम आपको रियल कश्मीर फाइल्स पर बहुत बड़ा खुलासा दिखाने जा रहे हैं. बड़ा खुलासा टाइम्स ऑन भारत करने जा रहा है रियल कश्मीर फाइल्स पर. यासिन मलिक की कुंडली खोलने जा रहे हैं. आज हम आपके सामने चार बड़े खुलासे करने जा रहे हैं. पहला खुलासा, यासिन की अरेस्ट फाइल. यासिन मलिक की पहली बार गिरफ्तारी कैसे हुई. दूसरा खुलासा, आखिर यासिन मलिक को कश्मीरी पंडितों से इतनी नफरत क्यों है, यह भी आपको हम आगे बताएंगे. तीसरा खुलासा करेंगे, यासिन मलिक का वो डर जिसकी वजह से उसने कहा था कि मैं मर जाऊंगा. चौथा खुलासा है, यासिन मलिक और उसकी कंपनी के गुनाह आखिर क्या हैं? ये खुलासे आगे हम करेंगे. यासिन मलिक पर खुलासा आज खुद वो शख्स करने वाला है जिन्होंने यासिन मलिक को पहली बार गिरफ्तार किया था. बीएसएफ के पूर्व डीआईजी और तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर जगदेव कुमार शर्मा. तो अगले आधे घंटे आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए यासिन मलिक की क्राइम फाइल्स. साल था 1990 और जगह थी जम्मू कश्मीर. कश्मीरी पंडितों का पलायन चरम पर था. कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों में एक बड़ा नाम था, यासिन मलिक. सुरक्षा एजेंसियां यासिन मलिक को गिरफ्तार करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन मलिक हमेशा चकमा देने में कामयाब हो रहा था. आखिरकार वो रात आ ही गई. 6 अगस्त 1990, संतनगर, जम्मू कश्मीर. बीएसएफ को यह सूचना मिली कि श्रीनगर के संतनगर इलाके में यासिन मलिक छिपा है. बीएसएफ के कमांडेंट जगदेव कुमार शर्मा अपनी बटालियन लेकर लोकेशन पर पहुंचे. यासिन मलिक बड़ा खूनखार मिलिटेंट था. इसके पीछे में काफी दिन का लगा हुआ था. काफी टाइम लगी, बहुत मेहनत करनी पड़ी इसको ट्रैप करने में. ये बड़ा चालबाज आदमी था, मेरे नेट में फंस नहीं रहा था. 15-20 दिन पूरा मैं इसके पीछे लगा रहा. बड़ी मुश्किल से इसको मैंने ट्रैप किया. ऑन 6 अगस्त 1990 आई गॉट द इंफॉर्मेशन दैट यासिन मलिक अलॉन्ग विद हिज कलीग्स इज हैविंग ए मीटिंग इन संतनगर इन द हाउस ऑफ मिस्टर बटाली. एज सून आई गॉट द इंफॉर्मेशन आई गॉट रेडी माई कमांडो टीम एंड रश टू द प्लेस. Surrendered the house and there was the encounter. Firing was exchanged between Yasir Malik, myself and other personnel. So ultimately we managed to overpower all the 11 militants. There were 11 total. One was Yasir Malik, number 2 was Hamir Sheikh, number 2 of the JKLF, number 3 was Kaka Hussain, area commander of Jammu. There were all the area commanders of area commander Baramulla, Bandipur. They were all arrested in this operation. BSF की टुकड़ी ने 11 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी इन लोगों की पहचान करना, खास तौर पर यासिन मलिक को पहचानना, क्योंकि तब तक यासिन मलिक को किसी ने नहीं देखा था. कमांडेंट जे के शर्मा के पास भी सिर्फ यासिन का एक स्केच था. एक्चुअली यासिन मलिक का कोई फोटोग्राफ अवेलेबल नहीं था सिक्योरिटी फोर्स के पास, ना तो पुलिस के पास था ना बीएसएफ के पास. एक स्केच बनाया गया था जो मेरे को दिया था, भी ऐसे करके ऐसा उसको नजर आएगा. वो 6 फुट लंबा है, उसका जो फेस है वो टेढ़ा है. लेकिन उस जो 11 आदमी मैंने पकड़े उसमें ऐसा कोई आदमी नहीं था जो 6 फुट लंबा और टेढ़े फेस वाला हो. सो इट वॉज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई हु यासिन मलिक. फिर मैंने थोड़ा वहाँ से थोड़ी सख्ती की तो जानना चाहा यासिन मलिक कौन है. ड्यूरिंग दैट इंटरोगेशन यासिन मलिक केम आउट.
कि इनके ऊपर सख्ती ना करो। आई एम दी यशन मलिक। फिर यशन मलिक को मैंने पहचाना, वो तकरीबन 5.5 फुट हाइट थी, उसका फेस टेढ़ा था, वो एग्री कर गया कि मैं यशन मलिक हूँ। और उसके बाद बाकी पूछा, दूसरा एक हमीर शेख था, इसका डिप्टी चीफ काका हुसैन था, एरिया कमांडर जम्मू, और बाकी 10-11 और मिलिटेंट थे, टोटल मिला के 11 मिलिटेंट थे। यासीन मलिक को पकड़ने वाले जेके शर्मा ने इसके आगे जो कहा वो बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाला है। सुनिए, गिरफ्तार होने के बाद यासीन मलिक की हालत क्या थी। बहुत डरा हुआ था, वो कहता था मेरे को ब्लड प्रेशर है, मैं मर जाऊंगा यहीं, मेरे को टच ना करो सर, पानी मांग रहा था, पानी पिलाओ मेरे को, बहुत घबराया हुआ था। ही वाज टेकन बाय ए कंप्लीट सरप्राइज के पूरी की पूरी उसकी कैबिनेट, वो तो कैबिनेट बना रखी थी, पूरे एरिया कमांडर सभी पकड़े गए। ही वाज इन बिग शॉक, वो बिल्कुल होश में नहीं आ रहा था, घबराया हुआ था एकदम। वहां से उनको मैं सभी पूरी पार्टी को पकड़ के घर की सर्च की, उनके जो किचन का रसोई वाला था लड़का, उससे पूछा, उनको सख्ती की तो बताया कि जो उनकी किचन है उसके अंदर कुछ वेपन अंडरग्राउंड द्वार रखे हैं, वो किचन की खुदाई की, वहां से राइफलें वगैरह ग्रेनेड पिस्टल निकाले। जो यासीन मलिक कश्मीर के अलगाववादियों का पोस्टर बॉय बनता है, वो पानी मांग रहा था, डर कर गिड़गिड़ा रहा था कि मैं मर जाऊं। ये तो सिर्फ गिरफ्तारी की बात, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे है यासीन मलिक का कबूलनामा। तो यासीन मलिक की गिरफ्तारी कैसे हुई और यासीन मलिक का वो कबूलनामा आपने सुना। यासीन मलिक गिरफ्तार हो चुका था, अब वक्त था इंटरोगेशन का। यासीन क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था और आगे क्या क्या करने वाला था, यानी यासीन मलिक के पूरे कबूलनामे का सच क्या है, देखिए। जब तक यासीन मलिक गिरफ्तार हुआ तब तक हजारों कश्मीरी पंडितों का परिवार घाटी छोड़कर जा चुका था। कत्लेआम के डर से पंडित अपनी धरती, अपना घर, सब कुछ छोड़कर जा चुके थे। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि यासीन मलिक को आखिरकार कश्मीरी पंडितों से इतनी नफरत क्यों थी। यासीन मलिक को जब मैंने थोड़ा पूछा, उसने बोला भी आपने ये इतना आदमी क्यों मारे, मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन थी। वो कहता हम जेएनके को आजाद कराना चाहते थे और इनको, वो तभी हो सकता था अगर सारे कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि ये मुखबरी करते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर ये पूरे पंडित चले जाएंगे तो मुखबरी करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो हमने इनके घरों के ऊपर लाल पेंट से JKL पर लिख रखा था, वो मैंने भी देखा है, इनके जो पंडितों के घर थे JKL पर लिख रखा था। वो फिर उनको डर था कि जिसके ऊपर JKL पर लिख दिया अभी इसके ऊपर अटैक होने वाला है, तो वो इतने घबरा गए थे और सब बैली छोड़ के भाग गए। कश्मीरी पंडितों के घरों को निशाना बनाया गया, उन्हें घाटी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और तो और इनके घरों को भी कब्जा लिया गया। पेंट से लिखा था कि हमने जितने हिंदू भाग गए, ये घर हमने अपने जितने हमारे JKLF के मेंबर है ना, नुमाइंदा हमारी तंजीम के आदमी है, उनको अलॉट कर दिए, ये पंडितों के घर उनको लौट कर दिए, उनके ऊपर JKR पर लिख दिया, कोई दूसरी जो तंजीम है वो इसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकती, ये घर JKR को ही बिलोंग करते हैं, अपने आदमी को हम देंगे ये घर, इसलिए पंडितों को वहां से भगा दिया था। यासीन मलिक की गिरफ्तारी बहुत बड़ी बात थी, ये सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता थी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। यासीन मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी थी, गिरफ्तारी सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। यासीन मलिक को गिरफ्तार करने वाले जेके शर्मा को सितंबर में DIG भी बना दिया गया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी घटनाएं कम नहीं हुई और अब टारगेट कश्मीरी पंडितों के साथ साथ BSF भी बन गई। में गिरफ्तार होने के बाद यासीन मलिक ने 4 साल जेल में गुजारे। जेल के अंदर रहने के बावजूद यासीन मलिक ने अपनी गिरफ्तारी का बदला लेने की ठानी और कमांडेंट जेके शर्मा के परिवार को निशाना बनाया। मैं श्रीनगर में था, सितंबर अगस्त का किस्सा है, सितंबर के महीने में मेरी प्रमोशन हो गई थी, मैं DIG बन गया था, JNK में ही पोस्टर रहा।
13 जनवरी 1991 मेरे गांव से पंजाब में मेरे बच्चे किडनैप हो गए थे, वो पंजाब के मिलिटेंट ने किडनैप कर लिए थे। मेरा को शक है कि ये J&K मिलिटेंट और पंजाब मिलिटेंट का आपस में तालमेल था। दे मस्ट हैव गिवन द इंफॉर्मेशन टू मिलिटेंट्स स्टेइंग इन पंजाब, दे गॉट माई चिल्ड्रन किडनैप्ड। एक महीना मेरे बच्चे मिलिटेंट की कस्टडी में रहे थे। यासीन के समर्थकों ने BSF को अपना टारगेट बना लिया, खास तौर पर J.K. शर्मा। J&K में मेरे ऊपर एक नहीं कई दफा हमले हुए। एक दफा तो मैं श्रीनगर में ही पुलिस स्टेशन गया था SP को मिलने के लिए, मेरे साथ 3 गाड़ियां थी। हमारे जो जवान थे, मैं SP के दफ्तर में बैठा, हमारे जवानों के ऊपर हैंड ग्रेनेड फेंक दिए, 10-15 जवान हमारे इंजर्ड हो गए थे। वो फिर मिलिट्री हॉस्पिटल श्रीनगर में रहे। उसके बाद मैं 1995 में DIG था बंदीपुर, बंदीपुर से मैं बारामूला जा रहा था। आई वॉज ऑफिशिएटिंग IG ऑल्सो दैट टाइम, ड्यूल चार्ज था। मैं जब बारामूला जा रहा था, रास्ते में मेरे ऊपर अटैक हुआ, बड़ा ज़बरदस्त फायर हुई, 1 घंटा फायर चलता रहा, वो बच गया उस दिन। ये तो पेपर में भी आया है, DIG J.K. शर्मा एस्केप्ड बिट डाउन लाइफ। फिर उस एनकाउंटर में मैं कुछ मिलिटेंट जिंदा पकड़े, कुछ वेपर पकड़े। हमले थम नहीं रहे थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब आतंकियों ने J.K. शर्मा के घर पर अटैक कर दिया। अंदर पत्नी और बच्चे भी मौजूद थे। जब मैं श्रीनगर में था, यशर मलिक को पकड़ने के बाद हमारे बच्चे, मेरी वाइफ वहां पर आए थे। ये अपने जो रिंग रोड है श्रीनगर का, वहां पर मेरा दफ्तर था उस टाइम पर। हमारे ऊपर अटैक हो गया उस दिन, मेरे घर के ऊपर फायरिंग हुई बड़ी जबरदस्त, शीशी के खिड़के टूट गए, मेरी वाइफ भी वहीं थी। ये बच्चों ने चारपाई के नीचे छुपे, मैं फिर बाहर निकला, उसको रिटेलिएट किया। मिलिटेंट का जबरदस्त फायर हो रहा था, हमारे कैंप के ऊपर भी फायर होता रहता था। वो जब इसको अरेस्ट किया, 1 हफ्ते तक पूरा श्रीनगर लॉकडाउन हो गया था, पूरा श्रीनगर लॉकडाउन फॉर 1 वीक, कंप्लीट 1 वीक। हालांकि गिरफ्तारी के 4 साल बाद, यानी मई 1994 में यासीन मलिक बेल पर छूट गया, लेकिन इसके बाद साल 2019 में NIA ने उसे गिरफ्तार किया और फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद है। यासीन मलिक, वो यासीन मलिक जो कश्मीरियत की बात करता है। यासीन मलिक की गिरफ्तारी किस तरह से हुई, आप समझिए उसका खुलासा, उस पूरे क्रम को कितने बेहतर तरीके से जगदेव कुमार शर्मा, जो कि पूर्व DIG हैं और तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर रहे BSF के, जिन्होंने गिरफ्तारी की थी, गिरफ्तार किया था यासीन मलिक को, और उस गिरफ्तारी की पूरी कहानी, गिरफ्तारी के बाद में यासीन मलिक का पूरा कबूलनामा आपने सुना। और आपने सुना कि यासीन मलिक को जब गिरफ्तार किया गया तो यासीन मलिक कितना डरा हुआ था, कितना सहमा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि उसने जो कर्म किए हैं उसके बाद में उसका क्या हाल होना है, क्या हश्र होना है। यही वजह है कि वो ब्लड प्रेशर की बात कहने लगा, वो बीमारी की बात कहने लगा। लेकिन इस बात को आप समझ सकते हैं कि आखिर 1990 में कश्मीर में जो नरसंहार हुआ, कश्मीरी पंडितों ने जो पलायन किया, जो कत्लेआम मचा, उसमें यासीन मलिक की भूमिका बहुत ज्यादा महत्व पूर्ण रही है। कश्मीरी हिंदुओं का कातिल आतंकी यासीन मलिक का कच्चा चिट्ठा हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक और बात बताते हैं, वो कच्चा चिट्ठा जिसे देखकर आपको मालूम चलेगा कि आखिर कैसे 1990 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के पलायन के मास्टरमाइंड आतंकी यासीन मलिक को सियासी सरपरस्ती मिलती रही, कैसे उसके सारे गुनाहों को दरकिनार कर दिया गया और वोट बैंक के लिए उसे VVIP ट्रीटमेंट दिया जाता रहा, कैसे उसके ऊपर 23 गंभीर मामले होने के बावजूद उसे अमेरिका, पाकिस्तान जाने की छूट दी जाती रही, और कैसे ये छूट पाकर वो अलगाववादी नेता का नकाब पहनते हुए विदेशों में भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता था। आज हम एक एक दस्तावेज आपको यासीन मलिक की इन्हीं पापों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। कश्मीरी हिंदुओं के पलायन और नरसंहार के मास्टरमाइंड आतंकी यासीन मलिक के गुनाहों का ये वही कच्चा चिट्ठा है जो टाइम्स नाउ नवभारत इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। हम चाहेंगे कि पहले आप आतंकी यासीन मलिक के गुनाहों की लंबी चौड़ी लिस्ट देखिए, इसके बाद
यासीन मलिक को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने वालों से आज हम कड़े सवाल भी पूछेंगे। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि ये एक्सक्लूसिव दस्तावेज असल में यासीन मलिक के ऊपर दर्ज एफआईआर की रियल पिक्चर दिखा रहा है। 90 के दशक में जम्मू कश्मीर के नौहट्टा से लेकर शहीद गंज थाना तक के क्षेत्र में किए गए यासीन मलिक के अत्याचारों की असल कहानी कह रहा है। सबसे पहले नंबर 2 पर लिखे गुनाह की गंभीर धाराएं देखिए, 302 और 307 यानी हत्या और हत्या की कोशिश का मामला, और इसके साथ ही मैसूमा थाने में आतंकी यासीन पर तब टाटा भी लगाया गया था। ऐसे ही आप नीचे की ओर बढ़ेंगे तो पाएंगे कि नंबर 3 पर एमआर गंज थाने में भी इसी तरह से इन्हीं धाराओं में यासीन मलिक पर मामला दर्ज है, और ये सिलसिला इसके आगे भी कई थानों में जारी रहा। कोठीबाग, एमआरगंज, शेरगढ़ी, पारिमपोरा, सफा कदल, शहीदगंज और नौहट्टा थाने की फाइलों में यासीन एक खूंखार आतंकी है। कश्मीरी हिंदुओं के कत्लेआम और मारने पीटने व धमकाने जैसे कई मामलों में मुख्य आरोपी है, जहां उस पर टाडा, फेरा, 302, 307, 120 बी, 364, 368, 147, 148, 336, 188, 149, 406, 364 के तहत मामले दर्ज हैं। 302 के केस मर्डर के चार्जेस हैं, 307 अटैप टू मर्डर के चार्जेस हैं, टाडा के केसेस हैं, फेरा के केसेस हैं, हवाला मनी के केसेस हैं, ये यूएपी का केस है। ये सारी चीजें बहुत संगीन हैं और इस पे आर्म्स एक्ट के केसेस हैं, तो नॉर्मल आदमी तो इन केसेस को भुगतते ही जिंदगी उसकी निकल जाए। यासीन मलिक पर 23 गंभीर मामलों में ये सभी धाराएं उसी 90 के दशक की हैं, जब कश्मीरी हिंदुओं पर घाटी में बेहिसाब जुल्म हुए। कश्मीरी हिंदुओं को घाटी छोड़कर पलायन को मजबूर होना पड़ा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, क्या यासीन मलिक को उसके किए की सजा मिली, तो इसका जवाब है नहीं। बल्कि इसके बाद तो यासीन मलिक लंबे वक्त तक जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सत्ता के गलियारे में चहेता बना रहा। 23 गंभीर केस के बावजूद यासीन मलिक का इसी के बाद पासपोर्ट बना। आतंकी यासीन मलिक ने इसी के बाद अमेरिका और पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों की यात्रा की और दुनिया में घूम घूम कर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा। वो अपने आप को कश्मीर का गांधीयन बताता है और भारत से बाहर जाकर किन किन देशों में यूएस हो या यूरोप हो या सऊदी हो या जहां जाके भारत के खिलाफ क्या क्या बोलता होगा, मुझे समझ में नहीं आया पासपोर्ट ऐसे आदमी को क्यों देना चाहिए। एक आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय ने जो जानकारी हमें दी है उसके मुताबिक 2007 में कांग्रेस की सरकार ने माना था कि यासीन के खिलाफ 23 केस हैं। उसके बाद यूपीए सरकार के दौरान ही फरवरी 2013 में यासीन मलिक भारत के वीजा पर पाकिस्तान घूमकर आ जाता है। ये वीडियो उसी समय का है। तब पाकिस्तान जाकर वो भारत के संसद हमले के दोषी आतंकी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के विरोध में एक बड़ी रैली में शामिल हुआ था, और वो तब 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के साथ मंच पर बिल्कुल बगल में बैठा नजर आया था। तो अब सवाल ये है कि क्या यूपीए सरकार में यासीन मलिक के सारे गुनाहों को भुलाकर वीवीआईपी ट्रीटमेंट किया जाता रहा। ये सवाल इसलिए क्योंकि अलगाववादी नेता का नकाब पहनकर आतंकी यासीन मलिक साल 2006 में दिल्ली भी आया था, और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ की उसकी ये तस्वीर पूरे देश में बहस का विषय बन गई थी। समझता हूँ एक क्लियर मैसेज गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए, क्लियर मैसेज कि जो भारत के खिलाफ गन उठाएगा, जो आम आदमी का नरसंहार करेगा, जो माइनॉरिटीज को मारेगा, जो मर्डर्स और ऐसे फौजियों पर अटैक करेगा, उनका कत्ल करेगा, उसकी एक ही जगह है, वो जेल और फांसी। वो इस तरह से वीवीआईपी ट्रीटमेंट का हकदार नहीं है, उसको इस देश में जगह नहीं मिलनी चाहिए।
इसीलिए आज कांग्रेस से सवाल पूछा जाना चाहिए कि कश्मीरी हिंदुओं के कातिल की इतनी मेहमान नवाजी क्यों की जा रही थी। एक दहशत गर्द को सजा दिलाने की बजाय जम्मू से लेकर दिल्ली तक उसे खास होने का एहसास क्यों कराया जाता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। कश्मीरी पंडितों पर फिल्म द कश्मीर फाइल्स आई तो 1990 का कश्मीर का वो नरसंहार एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया। लेकिन ये नरसंहार आखिर हुआ क्यों था? इस नरसंहार का मास्टरमाइंड कौन था? किसने कश्मीरी पंडितों के पलायन की खौफनाक स्क्रिप्ट लिखी थी? उस सबसे बड़े हत्यारे को आज हम बेनकाब कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। दर्द से तड़पते ये चेहरे, अपनों की हत्या के गम में जार जार रोते ये लोग। मातम मनाती एक महिला जिसका 32 साल पहले आतंकियों ने सब कुछ छीन लिया। घाटी के ऐसे न जाने कितने कश्मीरी पंडित जो आतंकियों के अत्याचार से डरकर घर छोड़ने को मजबूर हुए और जिन्हें इंसाफ दिलाने की बातें 32 साल पहले की। ये तस्वीर है भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की। 25 जनवरी 1990 को रावलपोरा में हथियारबंद आतंकवादियों ने रवि खन्ना और वायुसेना के 3 अन्य अधिकारियों को गोलियों से भून डाला था। कई लोग घायल भी हुए थे। आज के युवा शायद ही ये बात जानते होंगे कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी यासीन मलिक ही था और वो खुद भी इस हत्या में शामिल था। यासीन मलिक पर आरोप है कि उसने 1988 में पाकिस्तान जाकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी। वापस लौटा तो JKLF का प्रमुख बन बैठा। कहा जाता है कि इसी दौरान उसने कश्मीरी पंडितों को भगाने की प्लानिंग बनाई। इसी दौरान 1989 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रबिया सईद के अपहरण में भी उसका नाम आया। यासीन मलिक का ये पुराना वीडियो उसके आतंकी कनेक्शन की गवाही दे रहा है, जिसमें वो कुछ साल पहले इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के साथ नजर आया था। यासीन मलिक जो कहता था कि आतंकी अफजल गुरु ने संसद पर हमला नहीं किया, कश्मीरी पंडितों का हत्यारा यासीन मलिक जिसे आतंकवादियों और अलगाववादी समूहों को फंडिंग करने के आरोप में NIA ने साल 2019 में गिरफ्तार किया, जिसके संगठन JKLF को प्रतिबंधित किया गया और तब से यासीन मलिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो टाइम्स ऑन अब भारत लगातार खुलासे कर रहा है और फिलहाल खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उसके पहले देखिए इस समय की हेडलाइंस। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीरभूम पहुंची टीम बीजेपी की। पुलिस ने बैरिगेड लगाकर टीम को रोका। बीजेपी ने कहा ममता सरकार पर भरोसा नहीं, NIA या CBI से कराएं जांच। बीरभूम के हिंसाग्रस्त इलाकों का कल दौरा करेंगी ममता बनर्जी। कहा बंगाल को तोड़ने की हो रही है साजिश। राज्यपाल बोले मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता। बीरभूम में हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल तक मांगी जांच रिपोर्ट। गवाहों को सुरक्षा देने के निर्देश। CFSL टीम जुटाएगी सबूत। उत्तराखंड में पुष्कर धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। धामी ने कहा आने वाले दशक उत्तराखंड के होंगे। पीएम मोदी, अमित शाह, JP नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। पुष्कर धामी के मंत्रिमंडल में कुल 8 मंत्रियों ने ली शपथ। सतपाल महाराज, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, रेखा आर्या को मिला मंत्री पद। कल धामी कैबिनेट की पहली बैठक। 25 मार्च को हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ में राहुल गांधी करेंगे बैठक। सूत्रों के मुताबिक कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला समेत कई नेता बैठक में होंगे शामिल। MCD चुनाव टालने पर केजरीवाल का बीजेपी को ओपन चैलेंज। कहा चुनाव जीत कर दिखाओ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बीजेपी चुनाव टालकर शहीदों का अपमान कर रही है। कश्मीरी पंडितों को लेकर केंद्र पर भड़की महबूबा मुफ्ती। बोली बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भी नहीं किया, पंडितों के नाम पर सिर्फ सियासत की जा रही है। पीएम मोदी ने किया भारत गैलरी का उद्घाटन। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बनाई गई गैलरी, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में दी गई जानकारी। यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी हमले के बाद दिखा तबाही का मंजर। रूसी सेना ने कल गिराए थे 2 शक्तिशाली बम। यूक्रेन का दावा, करीब 1,00,000 लोग फंसे।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीरभूम हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है और आपको बता दें आज ही कुछ देर पहले बीजेपी के विधायकों का एक डेलीगेशन बीरभूम के रामपुर हाट गया है और अब उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने भी बीरभूम हिंसा पर दुख जताया है। जिस तरह से यहां पर हिंसा भड़की टीएमसी नेता की हत्या के बाद में वहां पर हिंसा हुई, आगजनी हुई, घर को आग के हवाले कर दिया जिसमें लोग जिंदा जल गए, अब उस पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। आपको बता दें बीरभूम हिंसा पर एसआईटी गठित की गई है, जांच की बात कही जा रही है। हालांकि बीजेपी जांच पर भरोसा नहीं जता रही, प्रदेश सरकार की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। लगातार रिएक्शन सामने आ रहे, प्रधानमंत्री ने कहा है कि अपराधियों को सजा दिलाने में हर मदद की जाएगी। बीरभूम हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताते हुए अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को माफ ना करें ये कहा है और निशाना साधा है प्रदेश सरकार पर भी। मेरे साथी रविकांत मेरे साथ में जुड़े हैं। रविकांत, प्रधानमंत्री मोदी ने भी निशाना भी साधा और हिंसा पर दुख जताया। देखिए, बीरभूम में जो भी घटना घटित हुई है उसको लेकर 72 घंटे के अंदर एसआईटी की रिपोर्ट की बात वेस्ट बंगाल की सरकार कह रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया है और प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि इस पूरे मामले में दरअसल न्याय होना चाहिए क्योंकि 10 लोगों की जान गई है और जो इनिशियल रिपोर्ट है उसमें ये जानकारी मिली है कि घर के अंदर जलने की वजह से उनकी जान गई है। आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने घर को आग लगाया और आग लगाने के बाद ये भी जानकारी मिली है कि दरवाजा जो है वो बाहर से बंद था। ऐसे में ये बहुत ही दुखद घटना है और पूरी की पूरी राजनीति इसी बात को लेकर हो रही है कि आखिरकार टीएमसी और उसके नेता उत्तर प्रदेश में लखीमपुर की बात करते हैं, उन्नाव की बात करते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो आखिर इन मामलों में न्याय क्यों नहीं मिलता है। अब प्रधानमंत्री का इस पूरे मामले में टिप्पणी करना, वेस्ट बंगाल सरकार जो है अब दबाव में है, उनको कार्रवाई करनी होगी और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है उनको कानून के कटघरे में लाना ही होगा। बिल्कुल रविकांत, एक और महत्वपूर्ण बात ये, एक तरफ आज बीजेपी का एक डेलीगेशन, विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल बीरभूम गया वहां पर रामपुर हाट, आज लोकसभा में भी इस पूरे मामले को उठाया गया और अब प्रधानमंत्री का अगर ये कहना है कि जो भी दोषी हैं उनको जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय दिलाने में मदद की जाएगी, अपराधियों को सजा दिलाने में हर संभव मदद करेगी केंद्र सरकार, यानी कि ये कहा जाए कि अब इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की भी अहम भूमिका नजर आएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सेंटर है वहां से 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, उसमें 4 आईपीएस ऑफिसर हैं, उसमें जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं वो हैं, मुंबई पुलिस के कमिश्नर सतपाल सिंह जो कि पूर्व में रहे हैं वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं, इसके अलावा भारती घोष जो कि आईपीएस ऑफिसर रही हैं, ये सारा का सारा सदस्य दल कल वहां पर पहुंच रहा है और पूरे घटनास्थल पर जाकर वो इस बात की तहकीकात करेगा कि आखिरकार इन 10 घरों में आग लगाने वाले लोग कौन है, क्योंकि वहां की सरकार जो कि टीएमसी की है वो ये कह रही है कि इस पूरे मामले में हमने गिरफ्तारी की है और ये एक सुनियोजित साजिश हो सकती है टीएमसी की सरकार को बदनाम करने के लिए, लेकिन क्या बदनाम करने के लिए बाहर से लोगों ने आकर यहाँ पर घरों में आग लगाई जिसमें 10 लोगों की जलकर जान गई है। ये बहुत ही दुखद घटना है, इसलिए प्रधानमंत्री ने इस पर टिप्पणी की है कि ये बहुत ही दुखद है और बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी ने जताया है, इस पर टिप्पणी की है, क्या कहना है पीएम मोदी का सुनाते हैं। सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें।
केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी भारत सरकार मुहैया कराई जाएगी। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनका देवभूमि उत्तराखंड से बहुत गहरा नाता है। दरअसल योगी आदित्यनाथ पौड़ी गढ़वाल जिले में ही जन्मे और वहीं पले बड़े। ये एक बड़ा कारण है कि उनके गांव में लोग बेहद खुश हैं, खास करके जिस गांव में सीएम योगी का बचपन बीता उस गांव में काफी उत्साह का माहौल है। उनकी माता जी, उनके छोटे भाई, उनके परिवार के बाकी सभी सदस्य बेहद खुश हैं। हमारी सहयोगी मीनाक्षी कानवाल ने आज सीएम योगी के पैतृक गांव पंचूर गांव पहुंचकर वहां पर लोगों के साथ में खास बातचीत की। देखिए एक रिपोर्ट। किसी भी दिन की तरह एक शांत दिन इस वक्त उत्तराखंड की इन वादियों में दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए उत्तराखंड की वादियों में आपको एक शांति दिखाई दे रही है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, वहां पर राजतिलक, लेकिन उस राजतिलक की एक रौनक, एक प्रसन्नता और एक खुशी यहाँ इस वक्त इस जगह पर भी है जहाँ मैं मौजूद हूँ, क्योंकि मैं सीधे इस वक्त पहुँच रही हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैतृक आवास पर। जैसे ही गांव पंचूर की तरफ इस सड़क पर आप पहुँचते हैं तो बीजेपी के झंडे आपको जो है यहाँ पर कतार से लगे हुए दिखाई देते हैं और आप समझ जाते हैं कि आप कहाँ दाखिल हो रहे हैं। आपकी मुलाकात आज परिवार से भी कराएंगे और बातचीत के ज़रिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिन के लिए क्या तैयारियां हैं। नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। टाइम्स नाउ भारत से हम लोग आए हैं तो हमने सोचा कि आज पूरे देश को उत्तराखंड के एक गांव की झलक दिखाई जाए, उस घर की झलक दिखाई जाए जहां का दीपक उत्तर प्रदेश में चमक रहा है। योगी जी के परिवार से ही आप भी? हाँ जी। क्या संबंध है आप लोगों का? चाचा है मेरे। अच्छा, आपके चाचा है? हाँ जी। और आपके? तो उनके भाई की वाइफ है। अच्छा, तो आपके जेठ हो गए। जी जी। क्या नाम है आपका? अर्चना विष्ट। हाँ अर्चना, मन है शपथ ग्रहण में जाने का? अच्छा है मन। मेरा नाम लक्ष्मी विष्ट है जी, और मैं श्री महेंद्र सिंह विष्ट जी की वाइफ हूँ। अच्छा, आपकी बातचीत कब हुई आखिरी बार उनसे? एक साल पहले। आइए चलते चलते बात करते हैं। आप ही का घर है, अपना ही घर समझिए, हम तो आज मेहमान हैं, यहाँ पर आए हैं मुलाकात करने के लिए। एक साल पहले हुई थी? हाँ जी। तो क्या कहा उन्होंने आपको? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप अभी? पढ़ाई होगी पूरी। पढ़ाई कम्प्लीट हो गई? हाँ जी। तो अभी कॉलेज में? नहीं, अभी फिलहाल घर पे ही हैं। हाँ, MA कम्प्लीट हो रखा। अरे वाह, मुझे लगा कि आप उम्र में और छोटी हैं इसलिए मैंने स्कूल के हिसाब से पूछा। MA कम्प्लीट हो गया है। तो आपकी क्या बात हुई फिर चाचा जी से? बस यही तबीयत कैसी है। हाँ। यही गढ़वाली में बात कर रहे थे या? नहीं, हिंदी में। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ पे अभी घर में, आपके घर का एरिया कहाँ से कहाँ तक का है, क्योंकि आप लोग जॉइंट फैमिली में मेरे ख्याल से रहते हैं? हाँ, ना? एक ये वाला है और बाकी उधर हैं, दो है। अच्छा, उधर वाला घर है? हाँ जी। वो महेंद्र जी का घर है? महेंद्र जी चाचा जी का घर है। यहाँ पर घर के बाकी सदस्य जो है वो इस वक्त बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते महेंद्र जी, आप योगी जी के छोटे भाई हैं और सबसे खास मेहमान तो आप यहाँ देख रहे हैं, योगी जी की माता श्री हैं। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? जी मैं आप तब बोड़ी बोल सक छो बोड़ी बोल सक छो मैं आप तो बोल लिया बोल सक छो और मिता तो ये अनपता छे कि गरम जब बोड़ी बोल छन तो वो भूखी प्यान छन तो आप तो भी भूखी प्यान छे जरा मेरी मिता भी तो जरा फिर दादी की याद आ जाए। दरअसल मैंने जो अभी बात की, हमारे जितने दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, पहाड़ों में एक परंपरा है जब आपसे बुजुर्ग मिलते हैं, आप उनसे मुलाकात करने जाते हैं तो प्यार स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप वो आपको चूमते हैं, तो उसे कहा जाता है भूखी पीना। तो मैंने उसी अंदाज में जो है अभी आपको छेड़ा और आपसे बात की। स्वास्थ्य कैसा है आपका? ठीक है। ठीक है, आपको पता है ना लखनऊ में शपथ ग्रहण होने वाला है दोबारा? अच्छा। हाँ, बातचीत हुई? नहीं। योगी जी से? पता नहीं उनको ही वेल। अच्छा, आपकी बातचीत नहीं हुई? नहीं, तो नहीं करता बात। अच्छा, बात नहीं? कभी कह ले, कभी बात अक्सर कह नहीं होती, कभी कभी बात कर लेती है। आखिरी बार कब हुई थी ऐसा भी ध्यान नहीं होगा? नहीं,
मैंने देखा 10 मार्च को जब जीत की घोषणा हुई और जब नतीजे आने शुरू हुए तो यहाँ पर भी देखा कि खूब रौनक घर में जमी हुई थी, लोग बधाई देने के लिए आ रहे थे, आपको भी बधाई देने के लिए आ रहे थे, गांव के लोग अभी भी आ रहे हैं लोग बधाई देने के लिए? नहीं, तो किसी ने जान में नहीं, हाँ किसी को पता नहीं है ना, पता नहीं। अच्छा मैं देख रही हूँ कि कुछ और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आने दीजिए, कोई बात नहीं, गांव के लोग हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात, इसी बहाने हमें भी जो है बाकी लोगों से मिलने का अवसर मिल जाएगा। महेंद्र जी आइए ना प्लीज आप भी। तो मैं तो जैसे देखिए अभी बात कर रही थी, मैंने पूछा वही 10 तारीख को जो है किस तरह की रौनक थी या क्या तस्वीर थी, तो अभी भी बधाइयों का सिलसिला जारी है? अभी भी बधाई देने का सिलसिला भी जारी है और लोग आ रहे हैं अलग अलग उससे। नहीं नहीं आप बैठिए बैठिए, ठीक है ठीक है, नहीं नहीं मैं और लोगों से बात करूंगी, बढ़िया है बताइए। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार विजय दर्ज की है, सबसे पहले तो वहाँ की देवतुल्य जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई कि 35 सालों के बाद कोई भी पार्टी वहाँ पे दूसरी बार सत्ता में आई है और ये उनके जो पिछले 5 सालों में किए गए कार्य थे उन्हीं के ऊपर जनता ने मोहर लगाई है और उन्हीं का एक आशीर्वाद दिया है। आपकी बातचीत हुई 12 तारीख को, उनको बधाई दी थी, बस यही की शुभकामना दी थी, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हो। क्या उन्होंने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं, जवाब ये ठीक है धन्यवाद जी क्योंकि नहीं बोलते ज्यादा, नहीं ज्यादा बात जी। तो शपथ ग्रहण का न्योता, जाने का कोई कार्यक्रम? लखनऊ जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी जो गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो यहाँ पे आएंगे तो उनको यहाँ पे देखना, उनके साथ एंजॉय करना यहाँ पे हम लोगों का कार्यक्रम है और उस दिन कीर्तन भजन का भी कार्यक्रम है। तो अच्छा आप लोग उस दिन क्या क्या प्लान कर रहे हैं वैसे, क्योंकि जब मेरी एक्चुअली शशि जी से बात हुई तो उन्होंने मुझे, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप शपथ ग्रहण के लिए जाना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा हाँ जा भी सकते हैं लेकिन मेरे लिए तो सबसे ज़रूरी मेरी माँ का घर है, उनका घर ही मुझे दुनिया में सबसे प्यारा है, तो मैं मायके जाऊँगी अपने और वहीं टी वी पर बैठ कर हम जो है पूरा कार्यक्रम देखेंगे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया। और वैसे भी लोग बधाई देने आते हैं तो सबसे मेन मुलाकात हो जाएगी, तो उनका तो वो प्रेम जो है माँ के प्रति और मायके के प्रति दिखाई दिया, तो मुझे लग रहा है कि आप भी उस दिन शपथ ग्रहण के लिए एक अच्छी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पे 2017 में भी जो हमारे रिश्तेदार थे, पार्टी से जुड़े लोग थे, गांव के जुड़े लोग थे, सभी लोग यहाँ पे बधाई देने के लिए आए हैं। इस बार भी जो आसपास के हैं, रिश्तेदार हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर जो गांव की महिलाएं हैं उनके द्वारा भजन कीर्तन का प्रोग्राम शाम को रखा गया है, तो यहीं पे प्रोग्राम करेंगे हम लोग। भावनाओं की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं जब इस घर में आई तो मुझे ऐसा लगा कि पहाड़ में जैसे आप किसी भी घर में चले जाते हैं वैसे एक आम घर, एक आम जिंदगी जो है वो दिखाई देती है। बेशक जब आप एंट्री पॉइंट पर होते हैं तो सिक्योरिटी चेक होता है तब आपको लगता है कि अच्छा हाँ आप किसी अलग घर में जा रहे हैं, वरना हर चीज़ वैसी सामान्य है जैसे किसी भी पहाड़ी घर में आपको दिखाई देगी। लेकिन शपथ ग्रहण का दिन आपके लिए कितना अहम है? 2017 की बात तो अब बीत गई, अब बात 2022 की है और अब आगे 2024 भी है, तो आपके लिए ये उपलब्धि क्या मायने रखती है? एक भाई का दिल क्या कहता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महाराज जी बोलते हैं उन्होंने संन्यास ग्रहण किया हुआ है और उनके लिए पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक परिवार है, साथ ही हम लोग उसका एक हिस्सा है और ये तो एक गर्व की बात हमारे लिए भी है और पूरे प्रदेश के लिए भी है कि हमारे परिवार से कोई दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। जैसा जनादेश इस बार विधानसभा चुनाव में जनता ने दिया है, 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उसमें भी इसी तरह के जनादेश की आशा मैं वहाँ की जनता से करूँगा और आशा करूँगा कि प्रचंड बहुमत से मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः केंद्र में। अच्छा लोग बड़ा कह रहे थे कि बड़ी कांटे की टक्कर है उत्तर प्रदेश में, बड़ा टफ चुनाव है, बड़ी तगड़ी फाइट है, कुछ भी हो सकता है। जब आप ये बातें सुनते थे तो आप लोगों को क्या महसूस होता था उस वक्त? लग रहा था कि तगड़ी फाइट है या चुनाव फंस सकता है?
देखिए शुरू में लग रहा था लेकिन देखकर भीड़ तो कई भीड़ हर जगह रहती है, लेकिन भीड़ को वोटर में बदलना हाँ। एक अलग मायने होता है। जीत का भरोसा था, लेकिन बिल्कुल था 260 और 265 लेके हम पहले भी चल रहे थे कि इतना तो ला सकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उससे ज़्यादा ले अच्छी उसमें ले आई 273 के लगभग भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे अपनी जीत दर्ज की सहयोगी दलों के साथ मिलकर के। महिंद जी आप मेरे साथ घर के ऊपर वाले हिस्से में एक बार चलेंगे, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को वहाँ से भी घर और जो आगे खेत दिख रहे हैं और जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं उनका एक नज़ारा ज़रूर दिखाना चाहती हूँ। प्लीज़ आप चलिए ना आगे, आप चलिए। दरअसल मैं जब यहाँ पर घर के इस हिस्से में अपने दर्शकों को लेकर आई हूँ तो उसके पीछे एक ख़ास वजह थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके पिताजी की तस्वीर दिखाई दी थी, और हालांकि 2020 में आपका स्वर्गवास हो गया, और मुझे याद है मैंने उनके जितने इंटरव्यूज़ देखे हैं बड़े बड़े सरल साधारण और मंद मंद मुस्काते हुए अपनी बात कहते थे, और बड़े बड़े से टफ सवाल भी अगर उनके सामने आते हों तो वो जिस सहजता के साथ उनके जवाब देते थे, आज मुझे कम से कम घर में आकर वो एक कमी जो है वो खल रही है। हालांकि जब खबर आई थी कि उनका देहांत हो गया तो उस समय योगी आदित्यनाथ नहीं आ पाए थे, कोविड का समय चल रहा था, अलग तरह की परेशानियां थी, संकट काल था, लेकिन आज इस वक्त में जब योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, इतना चाहिए, तो आपको लगता है कि पिताजी इस क्षण को अगर देखने के लिए यहाँ पर होते तो इस वक्त की बात कुछ और होती? देखिए 2017 में जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो जितना भी मीडिया आया था वो सारा वही संभाल रहे थे, और अगर मैं आज की बात करूँ तो अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी, आपकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, तो कमी काफ़ी महसूस हो रही है उनके लिए, और अगर आज जिंदा होते तो काफी खुश होते हैं। मैंने जब आपकी दीदी से बात की उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया, मैंने कहा कोई एक चीज़ जो आप योगी जी से अभी कहना चाहते हैं, क्योंकि फ़ोन पर आप लोगों की बात कम होती है, चलिए आज शायद टीवी चैनल के माध्यम से जल्दी पहुंच जाएगी बात, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि एक बार घर आ जाओ, माँ से मिल लो। ये भावना घर में मुझे लगता है सभी लोगों के दिल में ज़रूर है कि एक बार घर आएँ या मुलाकात करें और एक एक पल कहते हैं ना, एक फैमिली टाइम जो है वो मिल सके। 2017 के बाद से उनका घर यहाँ पे नहीं आए हैं वो, तो जनरली है मुलाकात नहीं हो पाई वो, तो घर के सभी सदस्य और जो आसपास के लोग भी हैं जो रिश्तेदार हैं वो भी यही चाह रहे हैं कि एक बार यम किशोर की जो धरती है हमारी, जो उनकी जो जन्मभूमि है उसमें एक बार वो जरूर आए यहाँ पे।